का वो रखना है, वीडियो में वो रखना है टॉपिक के साथ। तो सभी दोस्तों पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर। चलिए स्टार्ट करते। लड़ाई के मूड में है ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते। और हम अपना जो है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि हम सबको मिलजुल कर बैठना होगा और बैठकर इन सारे मामलात को तय करना होगा और पाकिस्तान को 21वीं सेंचुरी के अंदर लेकर जाना होगा। There has been a big statement that has been made by former Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif hinting at better ties with India. As he is now returned to Pakistan, he has been hinting of having good relations with its neighbor country India. इस वक्त नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियां मिलके हुकूमत बनाएंगे और इमरान खान की पार्टी बाहर रहेगी। क्या ये आसान है पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाना? ये कितना आसान है कि आप पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना सकते हैं जो करोड़ों की तादाद में लोग आपके लिए वोट दे देंगे? ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, जाहिर है भारत के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली असरअंदाज तो होते हैं, पड़ोसी हैं, बड़ा असर होता है कि कौन सा वजीर आजम आएगा, आया कि वो इंडिया के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखेगा, आया या वो एक्सट्रीम किस्म की जो है पॉलिसीज बनाएगा, तो बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बहुत से इंडियंस कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के अंदर कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन ये मेरा मानना है कि बहुत फर्क पड़ता है। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक कि अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछें क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए अगर यहां पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ लेकिन पाकिस्तान के अंदर आप पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं अगर आप नारे मार के आ जाएं तो। जिस तरह के इमरान खान जो है, अगर आप उनकी पार्टी को देखें और उनको देखें, उनका क्या नैरेटिव था, उनकी क्या उनकी प्लानिंग क्या थी, वो किस बेस पे जीते हैं? वो बेस पे जीते हैं मजलूमियत पे। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है पाकिस्तानी इलेक्शन में वैसे जीत तो इमरान खान रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जुडिशरी ने इमरान खान को प्रधानमंत्री बनने से पहले ही बैन लगा रखा है कि बाहर तो तुम जेल से निकलोगे नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे बनोगे। खैर प्रधानमंत्री फिक्स है, नवाज शरीफ ही होंगे प्रधानमंत्री, चाहे वो गठबंधन से बने चाहे जिससे बने, लेकिन नवाज शरीफ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है क्योंकि आर्मी ने पहले से ही डिसाइड कर लिया है। और दोस्तों नवाज शरीफ ने आज स्पीच दी, यानी रात को दी या आज सुबह दी अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन स्पीच एक न्यूज चैनल पर चल रही है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम भारत से लड़ाई करना नहीं चाहते, हम भारत के साथ पीसफुल रिश्ते चाहते। एक बार और इन्होंने कहा था ऐसा ही बात और एक बार फिर से इन्होंने आज ये बात कही है जब ये ऑफिशियली प्रधानमंत्री बनने जा रहे। और पाकिस्तान के लोग बड़े खुश हैं जब नवाज शरीफ ने ऐसी बात की। क्यों? क्योंकि अब भूख से तड़प रहे हैं पाकिस्तानी, भारत के साथ इनका ट्रेड बंद है, जो ट्रेड पहले पाकिस्तानियों ने खुद बंद की थी, इनके प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद बंद की थी। अब भारत के साथ ट्रेड शुरू होगा, अगर इससे अच्छे होंगे तो पाकिस्तानियों को दो रोटी मिल जाएगी। तो इसीलिए पाकिस्तानी बड़ा खुश है कि नवाज शरीफ भारत से रिश्ते पीस वाली मेंटेन करने की बात करते हैं। और कश्मीर इशू पे भी नवाज शरीफ ने कहा कि हम बैठ के पीसफुल तरीके से हल करना चाहते हैं, जबकि कश्मीर का तो कुछ इशू है ही नहीं। इशू तो जो है वो पीओके का, कि पीओके आराम से दोगे कि यार लड़ झगड़ के दोगे। ने कहा कि कौमी वकार की बहाली के लिए कशकोल तोड़ना जरूरी है, हमसायों समेत पूरी दुनिया से ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के मसले के हल के लिए भी तदबीर से आगे बढ़ना होगा। मैंने किसी कंट्री को तरक्की करते नहीं देखा जब तक कि अपने पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक ना हो। जब तक ये दो चार चीजें नहीं करेंगे आप लॉ एंड ऑर्डर और पड़ोसियों से रिलेशनशिप ठीक नहीं करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। लेकिन आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहते नहीं, पूछे क्यों? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आए अगर यहाँ पे आ जाए फिर तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। आप तो चाहते ही नहीं, आप तो सिर्फ IMF से पैसे लेके लंदन से पैसे लंदन ही, अमेरिका के पैसे अमेरिका में रखना चाहते हैं। हाँ 25 करोड़ लोग हैं, उनके खून पसीने से किस्तें देंगे, आपको तो सिर्फ उन्होंने किस्तें देने के लिए रखा हुआ है। अगर आप मुझे ये बताएं, मैं छोटा सा क्वेश्चन आज लास्ट, आप ईरान के साथ ट्रेड करें तरक्की हो जाएगी ना, स्मगलिंग बंद हो जाएगी, लेकिन आप नहीं चाहते, आप स्मगलिंग चाहते हैं। आप अफगानिस्तान के साथ ट्रेड नहीं चाहते, स्मगलिंग चाहते हैं। पता है आपको चलाने वाले जो इस वक्त जो टूटे फूटे चला रहे हैं, सारे हार्वर्ड के और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। बिल्कुल सर ऐसा ही है, लेकिन शायद किसी को कोई ख्याल आ जाए। मगर सर मैं लास्ट में जरूर कहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को मैं बादामों का पैकेट भेजने वाली हूँ कि उनकी मेमोरी आ जाए वापस, कि उनकी फैमिली में कितने लोग जो है वो डुअल नेशनल है और उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो शायद याद कर पाए फिर। लेकिन 25 करोड़ लोग मान रहे हैं ना, वो ये पाकिस्तान को लूटने का अगला प्लान जो है वो देखें अब किस रुख बैठता है, ये बिल्कुल तैयारी हो चुकी है इस चीज की।
दुख के साथ मैं कहूंगा मैं तो इनको सियासी पार्टियां मानता ही नहीं हूं, शुरू से आपको कहता हूं मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, सारी जिंदगी मैंने पढ़ा है, इस चीज का नाम सियासत नहीं है, इसको मैं सियासत नहीं कहूंगा, मैं इसको जमहूरियत भी नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं इमरान खान से 100 गुना नरेंद्र मोदी स्मार्ट है कि जिसने पहले भारत को इकोनॉमी तरक्की पे लगाया, तरक्की पे लगाने के बाद डेवलपमेंट की, वहां के लोगों का रोजगार बिल्ड किया, 250 मिलियन लोगों को उसने गुर्बत से निकाला और उसके बाद जाकर उसने राम मंदिर बना लिया। गो के 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी, सारा कुछ हुआ, तो राम की जन्मभूमि के ऊपर वो तहरीक चली, वो सारा कुछ हुआ, वो उसके माइंडसेट, वो लॉन्ग टर्म सोचने वाले लोग हैं, समझदार है नरेंद्र मोदी, कि जिसने आज से 1992 में उसकी पार्टी ने सोचा, 2000 में उससे पहले उन्होंने उसको सीएम बनाया, उसने अपनी टर्म्स पूरी की, अपनी 3 टर्म्स पूरी करके उस वजीर आजम बना, वजीर आजम बन के मुल्क को एक डायरेक्शन पे लगाया, फिर उसने मजहबी एजेंडा दिया। लेकिन पहले आप लोगों को किसी डायरेक्शन पे लगाते हैं, आप पहले ये नहीं करते कि पहले लोगों को आप, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, ये नहीं कि नरेंद्र मोदी पॉपुलिस्ट नहीं है, नरेंद्र मोदी भी पॉपुलिस्ट है, एक पॉपुलिस्ट लीडर है वो, लेकिन उसकी जो जिसे कहते हैं ना उसका स्टाइल और है। उसने पहले लोगों की इकोनॉमी ठीक की है, उसने लोगों को रोजगार दिया है, उसने लोगों, उसने अपने मुल्क का स्टेटस उठाया है। हमारे जो लीडर हैं पॉपुलिस्ट लीडर, वो क्या कर रहे हैं, हमारे जो जिसे वो कहते हैं ना क्या कर रहे हैं, हमारे लीडर सिर्फ मोबिलाइजेशन पे यकीन रखते हैं, सड़कों पे आ जाओ, ये कर दो, वो कर दो, रेडिकल रिफॉर्म एक भी नहीं की। हालांकि पॉपुलिस्ट लीडर का ये काम होता है कि वो रेडिकल रिफॉर्म करता है, एक भी रेडिकल रिफॉर्म नहीं की। जो पॉपुलिज्म है वो, जिसे वो कहते हैं ना, वो अपने स्पीचेस बड़ी तगड़ी देते हैं, उनका बिहेवियर्स बड़े अथॉरिटेटिव होते हैं, समझ नहीं। लेकिन सर ये फेयर इलेक्शन से आपके ख्याल से रिजल्ट ठीक है? आप सवाल के बजाय सवाल करूंगा, मुझे ये बताएं आज तक पाकिस्तान में कोई फेयर इलेक्शन हुआ, फिर आप आज के इलेक्शन को क्यों फेयर मान रही हैं? जब माजी में कभी फेयर इलेक्शन नहीं हुआ था, इसमें क्यों फेयर इलेक्शन? बल्कि जब स्टोरी हम रो रहे हैं, आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर दूध का खालस ग्लास नहीं मिलता, तो आप कहते हैं कि सारी दुनिया ईमानदार हो जाए, किस तरह हो सकती है? टैक्सी ड्राइवर भी फ्राडिया है, सब्जी बेचने वाला भी फ्राडिया है, आपका आपको अखबार बेचने वाला भी फ्राडिया है, जिसका चांस मिलता है वो फ्रॉड करता है। हाँ एक बात है, जब वक्त शाम बैठते कहते पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा कहते इस्लाम का किला है, इसको कहते हैं रहती दुनिया तक रहेगा, ये नाम इस्लाम के बना था, लेकिन 25 करोड़ लोगों में से मेजॉरिटी फ्राडी है। तो सर इमरान खान के लोगों को इतने वोट कैसे मिल गए? भाई उनको बेवकूफ चुप रहते, उनको कह जो दिया है जिहाद है भाई, अमर बिन मारूफ है, उसके बाद जो दूसरे कई है वो लोग कहते हैं 8 महीने से 1 साल ये गवर्नमेंट चलेगी। इसमें जरदारी साहब हैं जिनके पास पैसा बहुत है, जोड़ तोड़ के बादशाह माने जाते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा बनेगा वजीर आजम, कभी कहते हैं वो चीफ मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर बनेगा, कभी कुछ बनेगा, कभी कुछ, जो भी बनेगा, इधर से कहते हैं छुरी खरबूजे के ऊपर हो तब भी खरबूजा कटता है, छुरी खरबूजे के नीचे हो तब भी कटता है, कटना पाकिस्तान ने है, 25 करोड़ लोगों ने कटना है, काटने वाले तैयार हैं, छुरियां तैयार हो चुकी हैं, बकरे की खैर नहीं है, प्रॉपर्टियों में लंदन और दुबई में हिलजुल शुरू हो चुकी है, वहां जो जो एजेंट वहां बैठे हैं उन्होंने कॉलें करनी शुरू कर दी है कि भाई IMF की अगली किस्त जो है उसमें हिस्सा होगा दुबई का और लंदन का। हाँ एक बात जरूर है जो पाकिस्तान में कहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए अच्छा होगा, करप्शन के पैसे के हाथ बदलेंगे, नए करोड़पति आएंगे, कई जो है नए वकीलों को जो टिकट दिए गए थे इंडिपेंडेंट, उनकी लॉटरियां हैं, जिनके केस नहीं कोई, इनको जिनको कोई जमानत का केस नहीं देता था, अब वो करोड़ों के अपने वो। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया क्या माहौल है, इमरान खान जो कि जीत रहे हैं ऑफिशियली, उनकी पार्टी को हालांकि तोड़ दिया गया लेकिन उनके पार्टी के जो लोग हैं वो जीत रहे हैं, और इमरान खान अगर जेल से बाहर होते और अगर उनकी पार्टी एग्जिस्ट करती तो वही प्रधानमंत्री होते, ये तो तय था। लेकिन अब आर्मी का इन्फ्लुएंस इतना है कि आर्मी ने कह दिया भाई इमरान खान प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, फिर चाहे वोट कितना भी उसे जनता दे दे। अब दोस्तों वो तो ये वाली बात हो गई कि अमेरिका का जो क्या नाम है आर्मी का हेड, वो कहे भाई जो बाइडेन प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ठीक है, अब चाहे जनता उसे कितना भी वोट दे दे, ठीक है, तो वो ये वाली बात हो गई ना। तो खैर अब चुन लिया है आर्मी ने कि भाई नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री होंगे,
ठीक है, इमरान खान को किसी हाल में नहीं बनने देंगे। हालांकि इमरान खान कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं है, नवाज शरीफ इमरान खान सब वही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, सब एक ही जैसे, ठीक है। बट हाँ, अब आर्मी का इन्फ्लुएंस दिखाने के लिए ये एग्जाम्पल अच्छा। खैर, भारत से रिलेशन की बात कर रहे हैं नवाज शरीफ, लेकिन भारत से रिलेशन किस बेस पे होगा? जब तक ये पीओके नहीं देंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत को नहीं देंगे, मेरे को नहीं लगता हमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार इनसे बात भी करना चाहेगी। जब तक ये आतंकवाद को पूर्णतः बंद नहीं करते, जब तक ये रेडिकल इस्लामाइजेशन को बंद नहीं करते, भारत खिलाफ भड़काऊ बयान बंद नहीं करते, मुझे नहीं लगता कोई भी बातचीत पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। और अगर बातचीत करनी है तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो पाकिस्तान को लेना चाहिए और भारत सरकार को कहना चाहिए, वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर खाली करो, ठीक है। वो भारत का भी हिस्सा था, है और रहेगा, अगर उसे आराम से दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो लड़ने झगड़ने में आप लोगों को पता है ये दो रोटी अभी खा नहीं पा रहे, और इनकी आर्मी लगी हुई है तख्ता संभालने में, तख्ता इन द सेंस गवर्नमेंट संभालने में, लड़ने वड़ने की औकात नहीं है, दो मिनट में छीन के भारतीय सेना इनको औकात बता देगी। तो ये पहले डिसीजन होना चाहिए कि भाई पीओके कब दे रहे हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। तो बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखकर आप जरूर से बताएगा। फिलहाल हम आपसे विदा ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।